सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहूँगा सारे अपने मित्रों को, दर्शकों को, जो हमारे भाई लोग हमको यूट्यूब पे देखते हैं। और जैसे भाई मेरे बोले कि खूबसूरत पोस्टर, नहीं पोस्टर तो नहीं लेकिन मेरे बाजू में तो खूबसूरत तो है। वैसे मैं मैडम आपके लिए एक चीज़ लेके आया था, ये देखिए। ओह माय गॉड, जी मैम बताइए। लाल खतरे की निशानी होते ऊपर भी देख रहे हैं पोस्टर पर। इसको दिखाइए, लोग बताइए इसका मतलब। भाई से पूछ रहे हैं ना ये क्या होता, जानती है? रोज इतना अच्छा प्लान है, मैं रोज हमेशा रोज रोज ऐसे सुंदर लगूंगा। किस तरह की फिल्म है और क्या भूमिका है सर? क्या है कि जो हमको हमारे दूसरा डायरेक्टर डोगरा जी ने बताया है, लेकिन बताया है कि उसको सस्पेंस में रखा जाए, अभी ओपन ना किया जाए। मुझे लगता है कि आपको बताया कब्जा टाइटल जो है थोड़ा सा मतलब ये है ना कि सोचने वाले हैं कि कब्जा किस चीज़ का, कब्जा क्या चीज़ का कब्जा, तो लाइक थोड़ा सा टाइटल तो ऐसा ही है। और स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ हम लोग को भी नहीं बताया गया है, ये बात को काटता हूँ। कब्जा जमीन जायदाद का कब्जा नहीं है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले रोज दिया, ये दिल का कब्जा है। जी हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं डोगरा जी, उन्होंने कुछ क्योंकि भोजपुरी में कुछ हॉरर सिनेमा लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फिल्में आई भोजपुरी में, जैसे दो तीन फिल्में आई हैं हॉरर, तो एक अलग हॉरर लाने की कोशिश है डोगरा साहब की। किस तरह के किरदार होंगे आप लोग? सर हमारे तो कॉमिक ही हैं, और कॉमिक का थोड़ा ड्रामा टाइप का है, जो उनको थोड़ा सा हमारे करेक्टर के बारे में उन्होंने बताया। ये भूत है, भूत भूत है जो दिखता नहीं, लोगों को परेशान करता है, उसके प्रेम का जिसको सिर्फ कोई दिखता है, कोई किसी को नहीं दिखता, सिर्फ प्रेम का को दिखता है और प्रेम का पागल रहती है। लोग उससे पूछते हैं किसको खोज रहे, किससे बातें कर रही, मोदी जो सामने उससे बातें कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का मेरा एक कमेडी ट्रैक है। एकदम सही सर, क्या है ना देखिए, अब इंसान से दिल उठ चुका है तो भूतों के क्या है कि हमको लगता है कि सबसे अच्छे भूत ही होते हैं जो सपनों में आते हैं, तो मैं सपनों में अक्सर आता हूँ। लोग दिल्ली पे कब्जा करना चाहता हूँ। इसमें जो कैरेक्टर है मेरा वो थोड़ा बहुत एडवेंचरस है, और एक्शन भी है इसमें, एक्शन भी करने वाली हूँ और लोगों को डराने भी वाली हूँ। तो आगे का क्या है नहीं है वो कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा। सारा मेरी तरफ मुझे छोड़ दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे कॉमेडी बेटर तो कॉमेडी से कौन डरेगा, विलेन थोड़ी ना यार। कॉमेडी बहुत आपके सामने रहेगा। ठीक है, मैं डरूंगी नहीं, कॉमेडी करूंगी सर के साथ, है ना। हमने एक्चुअली उड़ान भी किया हुआ है साथ में, जिसमें सर जो है पुलिस इंस्पेक्टर एक्टर कर रहे थे, और बना चुके हैं कर्मयोग, ये कर्मयोग प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे ही हैं, तो हमारे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर भी साबित होंगे। इनके साथ, इनके टीम के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, और बाकी जो आर्टिस्ट है, को आर्टिस्ट है, जैसे कि संजय सर हैं और बालेश्वर सर हैं, इनके साथ मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो उनसे है हमेशा सीखने को ही मिलता है। बट डायरेक्टर के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, डोगरा जी हैं, एक्सपेक्ट करती हूँ।
नारियल, जैसे बाहर से नारियल एकदम सख्त होता अंदर से बड़ा मुलायम होता, वही हमारे डायरेक्टर सर रियली बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा भी लगा से पहली बार बात किया, और थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले प्रणाम आप सब प्रिय भैया भाई भाव सब पूरा परिवार आपन जे बा सबका के पैर छू के प्रणाम करते हैं। हम अमित सिंह का कुछ नहीं है प्रभु एंट्री कर रहे एक हॉरर मूवी के द्वारा क्या कहना चाहेंगे। चलिए सब एक बात जो मुझे अच्छा हुआ और सर करण डोगरा सर आइए सर सर तो आइए करा जी बताइए फिर आपके किस तरह का कैरेक्टर होगा इसमें और क्या करने वाले। इस फिल्म में एक सिंपल डॉक्टर का कैरेक्टर है और फिल्मी डायरेक्टर सर के लड़के भी हैं, लड़का दोनों मिल के काम करेंगे और सर का आशीर्वाद रहा तो आगे भी अच्छा। सर गाने में गाने काफ़ी अच्छे अच्छे गाए हैं और आपने हीरो बनाने जा रहे हैं, क्या ऐसा लगा? ये टैलेंट है ना, जो टैलेंटेड आदमी है उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जो अच्छा गाते हैं तो वो एज ए हीरो भी आ रहे हैं, सो अगर अमित आता है तो उसमें क्या नहीं बात। दूसरी बात है कि नेचर कोऑपरेशन, अगर कोई भी नए आर्टिस्ट में या जो भी है उसमें अगर कोऑपरेशन और आगे काम करने की इच्छा है अगर दिखाई देती है तो उसको चांस देने में कोई मेरे हिसाब से। सो अमित गा लेता है, अच्छा गाता है, उसके एल्बम पीएफ से वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से रिलीज़ होती है और इसके साथ में मैंने को आर्टिस्ट रखा है निशा दुबे को जो इनके अपोजिट में करेंगी और बहुत ही अच्छा इनका कैरेक्टर है, मेन लीड रोल्स है इनके। सो एक्चुअली मेरी जो फिल्म है वो पूरी पैरेलल सबके रोल्स है, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कोई कैरेक्टर मेरा ढीला है क्योंकि ढीला नहीं चलेगा उसके बाद, और जब बराबर के सब लोग उसके अंदर परफॉर्म करेंगे तभी जाके ओवरऑल प्रोडक्शन अच्छा चलेगा। सो अमित का बहुत अच्छा रोल है, उसने लीड कर रहा है। बनाओ हाँ सर, यही बात है जो मैंने कब्जा दिया है आपको, यहाँ घर दिया है या लड़की बहुत डार्क में मैंने बात। बेसिकली क्या है कि फिल्म को लॉन्च करने के पहले अगर मैं बता दूँ कि ये किस चीज़ का कब्जा है तो फिर उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। सो ठीक है, फिल्म अब ये हॉरर है या थ्रिलर है, अब ये मनोवैज्ञानिक फिल्म है जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई या हॉरर फिल्म है पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। सो ये जो दो चीज़ है इसके लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो जाती। बट हाँ, ये जो भी सब्जेक्ट बनने जा रहा है, मतलब मैं देखो ये मैं मानता हूँ आज कोई नहीं बना रहा है हॉरर, बहुत कम लोग होंगे, मतलब भोजपुरी में खास करके, बाकी तो वर्ल्ड वाइड ये चलती है, इसकी अपनी ओन ऑडियंस है, लोग देखते हैं हॉरर फिल्में। अभी देखिए छोटी सी फिल्म है कॉन्जरिंग जो $5 मिलियन की फिल्म है लेकिन आज बॉक्स ऑफिस में 300 मिलियन करके जाती है, सो इसकी ऑडियंस है। मैं ये बोलना चाहता हूँ बहुत सिंपल वर्ड में, सो भोजपुरी में इतना मैंने नहीं देखा है कि सीधा कोई थ्रिलर हॉरर ये बनाता है। क्या डोंगरा जी समझा एक नया प्रयोग कर रहे हैं? हाँ नहीं, मैं 99 टका जो है मैं उल्टी दिशा में दौड़ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, 1% है जो मैं दूसरी दिशा में जो बोल सकता हूँ। सो ये जो लड़ने का जज्बा है मैं लेके ही शुरू कर रहा हूँ। पोस्टर पे काफ़ी सस्पेंस है, किसी को भी आपने नहीं रखा है ब्लैक ब्लैक और ऑफकोर्स क्या है कि दो चीज़ चलती है, या तो आर्टिस्ट चलता है या तो सब्जेक्ट चलता है। मैं आर्टिस्ट डाल देता हूँ, मुझे कुछ भरने में टाइम नहीं लगाएगा, पोस्टर वैल्यू मैं बना देता हूँ। अगर एक बार ये पता चल जाता है कि इसमें आर्टिस्ट कोड है तो उसका फ्लेवर हमको आ जाता है कि ये क्या करेगा। अभी जैसे अभी कोई भी मैं बड़े आर्टिस्ट को इसमें डाल देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिल्म क्या हो। सो मैं चाहता हूँ कि लोग सब्जेक्ट को देखें, टेक्निक को देखें, फिल्म को देखें। और एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो भी पैसा हम दे के थिएटर में जाते हैं तो उसमें हमारा ओवरऑल एन्जॉयमेंट होना चाहिए। अभी जैसे मैंने म्यूज़िक में छोटे बाबा को लिया, मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, सब्जेक्ट जो है वो भी
एकदम ट्रीटमेंटल सब्जेक्ट है, कैसे भी खेल नहीं सकते इसको, इसको प्रॉपरली बनाना ही पड़ेगा। बात की जाए म्यूजिक की और गानों की, तो किस तरह की गाने हैं इसमें? देखिए मैं कुछ फ्लेवर्स रखना चाहता हूँ, मतलब दो तरीके से। अभी जैसे कि अमित है, अमित जैसे एक डॉक्टर का कैरेक्टर, सो प्लस हमको ये भी देखना है कि हमारे जो बिहार की, उत्तर प्रदेश की का जो कल्चर है वो भी छूटे नहीं हमारे पास। सो ये जो दो चीज़ को बीच में लाना, तो हमें दोनों चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शूटिंग कहाँ की जाएगी? देखिए अभी एक्चुअली फाइनल नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ करेंगे। हो सकता है कि हम बाहर जाके इसकी आउटडोर शूटिंग करें, और कुछ पोर्शन ऐसा भी हो सकता है कि हम इनडोर शूटिंग करें, गाने बाहर करेंगे। सो इत्मीनान से बनाएंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे जो ऑडियंस अपनी टिकट खरीदती है वो एंजॉय करके जाए। अमित जी इसमें आप कितने गाने गा रहे हैं? इसमें गाने मेरे 4 से 5 गाने। तो भाई इच्छा कब तक की जाए, फिल्म कब तक आ जाएगी? फिल्म तो रिलीज हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या है, देखिए डिपेंड करता है कि मेरा जो बजट फिल्म में लगेगा उसका मुझे खरीदार क्या मिलेगा। एनीवेज फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली हो कि 8 से 10 महीने के अंदर प्रोडक्शन ख़त्म होके फिल्म को मैं रेडी करूँगा। अभी जैसे मेरी पिछली फिल्म है जो मैंने 2017 में शुरू की थी कर्मयोग, वो आज रेडी हो गई है बिहार में रिलीज के लिए। यहाँ तक कि जो भी पेपर पब्लिक पब्लिसिटी वगैरह है वो बिहार पहुँच गई। सो हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने के अंदर ही ये फिल्म वहाँ पर रिलीज़ हो। जो कब्जा आपका सब्जेक्ट है, ये धमाका ऐसा करे कैसा कुछ लग रहा है, ताकि आने वाले दिनों में भोजपुरी में कुछ बदलाव आए? अब देखिए बदलाव तो आप नहीं ला सकते, बदलाव की आप कोशिश कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसको किस तरह से, अगर हाँ भोजपुरी में भी लोग हैं, मुझे मैं इतना मानता हूँ कि लोग हर चीज़ को देखना पसंद करते हैं। अभी मैं कोई कॉमन चीज़ ही हमेशा चलाऊँ तो वो भी ठीक नहीं है, पब्लिक कितना देखे। सो मेरा कहीं तक थॉट है कि एक बार तो कोई ट्राई करेगा। ओके सर, अमित जी जाते जाते सावन का महीना है, पहली फिल्म आपकी आज मुहूर्त से की गई, क्या सुनाना चाहेंगे? बोले बाबा का सुना। सबसे पहले पीछे दर्शक भी है उसको भी सुनाई सभी सावन का महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस से हम बड़ी जी चलिए बोल बात जितना दर्शक तक पहुंचा सकते पहुंचा। कि शिव जी के त्रिशूल पे काशी लोग बड़ी शक्ति के हन देरी बम बम सगर बताइए। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं इंडस्ट्री में अभी नया हूँ फिलहाल। अभी मैंने एक ही मूवी की है, लास्ट मूवी कर्मयोग थी, जिसमें मैं अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो ये मेरी सेकंड मूवी है, एक्साइटेड हूँ, देखते हैं। इसमें भी मैं मतलब लीड ही कर रहा हूँ, मतलब हम दोनों लीड है। सो बेसिकली कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, मतलब कैरेक्टर के अगर मैं बारे में बताऊँगा तो शायद मज़ा नहीं आएगा, सस्पेंस रखना तैयारी तो जोर शोर से चल रही है भाई, देखते हैं। हॉरर मूवी मेरी तो पहली मूवी, मुझे तो पता नहीं होती हॉरर मूवी में क्या करते हैं, और जो नॉर्मल एक्शन मूवी जो बनती है वो छोड़। आप डरने वाले हैं या बचाने वाले, क्या डराने वाले हैं? डराने वाले लड़ेंगे, डराने वाले सुन क्या रियल लाइफ में कितना बिलीव करते हैं वो? मैं नहीं बिलीव करता, मैं देखा नहीं। मतलब हाँ उनको काफ़ी शौक है फिल्म का, तो उन्हें लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब ही है कि मतलब उनको मेरे पे कोई विश्वास है, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कर सकता हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया।
है इसमें आपका, बताना चाहेंगे? लीड मैं और अमित जी लीड करेंगे मूवी में, और जैसे मैंने बताया कि अमित जी साइकाइट्रिस्ट है तो मेरा भी है स्ट्रॉन्ग रोल ही है, आसपास ही है, बट मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा। आपकी आने वाली फिल्म है, तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आने वाली फिल्म के बारे में कौन सी फिल्म आपकी रिलीज पे है? गर्मी गर्म युग। क्या कहना चाहेंगे? गर्म युग काफ़ी अच्छी मूवी है, मेरी तो पहली मूवी है, और उसमें मैं पुलिस वाले का रोल किया है, और सेकेंड मतलब जो हमारे मेन हीरो थे रितेश, उनका छोटे भाई का रोल किया, तो वहाँ उसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, अच्छी मूवी है, देखना चाहिए। और मतलब मेरी पहली मूवी है तो फिर मुझे भी अच्छा फील आता है। ओके, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे जो फिलहाल मुहूर्त हो रहा है और जो फिल्म आने वाले हैं? आज परिचय दें। नमस्कार, इतने लोग चैनलों को देख रहे हैं सबको, और मेरा नाम पारेश्वर सिंह है, और आज इस फिल्म के मुहूर्त में आया हूँ जिस फिल्म का नाम है कब्जा, और लक्ष्मी मीडिया प्रोड्यूसर हैं और करण जी ऐसे राइटर, और इस फिल्म में मैं एक अहम रोल निभा रहा हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। तक मैं विलन करता था, इस फिल्म में विलन हूँ भी नहीं भी हूँ, तो काफ़ी अच्छा रोल है, और देखते हैं जा रही है शूट पे ये सितंबर में। सर, इस फिल्म में विलन एक भूत वाला विलन है या फिर आम विलन है? इसमें दो कैरेक्टर हैं, पूरी कहानी बताने के लिए मना किया गया है। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि कैरेक्टर जो है मेरा एक सिद्ध पुरुष का है जो तंत्र और मंत्र भी जानता है, और जब समस्याएं आती हैं तो उससे लड़ने की मैं कोशिश करता हूँ, और जो इस हीरो हैं वो मेरे बेटे बने हुए, तो मैं उनका सहयोग करता हूँ, उनका साथ देता हूँ। मेरे लाइफ में थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है, जब तक तो हमने पॉजिटिव किया है, काफ़ी फिल्म पॉजिटिव किया, लेकिन इस फिल्म में कुछ है अलग है मेरे। जैसे पोस्टर में कोई चेहरा रिवील नहीं किया गया, सिर्फ सस्पेंस रखा गया है। ये मुझसे बेटर तो ज़्यादा डायरेक्टर साहब हमारे बता सकते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर भी हैं। ये है कि सस्पेंस लिए भी रखा गया कि अभी सारी कास्टिंग अभी हुई नहीं है, और कास्टिंग अभी सीख हो रही है, लेकिन कुछ कास्टिंग ऐसी हो गई जैसे मैं हूँ, क्रिस जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। तो ये है कि सिनेमा इससे पहले भी करण जी बना चुके हैं, और ये दूसरी सिनेमा है इनकी कुछ करेगी तो अच्छा ही बनाएंगे, पहले से तो काफ़ी कोशिश करेंगे अच्छा बने। और हम लोग जिस तरह से अभी चल रहा है स्टोरी, चाहे छोटे बाबा इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और गाना वाना जिस तरह से बन रहा है, उम्मीद है कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनेगी। मेरी पिछले हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म नागराज, जो बिहार और झारखंड और उसके बाद अभी रिलीज हुई है यूपी में, हर जगह बहुत पसंद की जा रही है, और मैं खुश हूँ इस फिल्म से, क्योंकि इस फिल्म में मेरा एक अहम रोल है, और मेरे काम को भी शायद लोग पसंद कर रहे हैं, और उस फिल्म के हीरो हैं यश मिश्रा जी, जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और उन्होंने मुझे उस रोल के लिए चूज किया, मैं धन्यवाद कहूँगा उनको, और वो फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद एक फिल्म मेरी और पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है, रानी हम हुई इंतहार, और आने वाली फिल्मों में काफ़ी फिल्में हैं, जैसे कहर है, और भी कई फिल्में हैं, मुझे लगता है इस साल मेरी 10-15 फिल्में रिलीज होंगी, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही पिछला साल भी मेरा बना रहे जो आने वाला साल। थैंक यू सो मच। कब्जा फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, बड़ा सस्पेंस थ्रिलर दिख रहा है, इस पिक्चर के लिए तो हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी दिनों से काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, तो करण जी ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे पिक्चर बना रहे हैं, तो ये बहुत तैयारी के साथ पिक्चर बना रहे हैं हम लोग, इसमें बिगनिंग से ही जुड़े हैं, और ये जो आज का जो सिचुएशंस है इस पर ये अलग लुक पिक्चर का जो है ये प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल भोजपुरी जो है वो मूवी आपकी दिखेगी डायलॉग वाइज, और बट ये आपको हिंदी का लुक पूरा देगा जो मूवी जैसा प्लान उन्होंने किया, और इसमें सारे अच्छे आर्टिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो है अपने छोटे बाबा है,
सुपर हिट ऑलवेज देते आ रहे अमित करके लड़का है और हीरोइन जो है वो निशा दुबे जी है। तो अब इसकी जो तैयारी है वो टेक्निकली बहुत साउंड बनाने का जो है प्लान किया हुआ है। हम लोग बहुत उम्मीद है इस पिक्चर से और हर किसी को खास करके क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक्सप्लेन इनके बारे में इस पिक्चर के बारे में पहले ही काफ़ी सुन चुके हैं। तो ये बन के अब जल्दी तैयार होकर के आएगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे रहे हैं और जो जितना हम लोग इससे बन पड़ेगा जितना और टेक्निकल क्या सपोर्ट हो सकता है मैक्सिमम इस पिक्चर के लिए हम पूरी तरह से हाँ क्योंकि इनकी प्लानिंग वैसी था उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया था बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने बोला है कि हम लोग ये पहले से अगर जुड़ के काम करते हैं तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखा जाता है वो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करके फिर प्लान करें। जो प्रोड्यूसर्स के हम लोग जो मूवी लेते भी हैं तो हम लोग देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि लेना है या नहीं लेना बट टेक्निकली इन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया था तो हम लोगों ने इनिशियल इस चीज़ से यही रीज़न था कि क्योंकि एक्सप्लेन काफ़ी किया था और वो उसी ढंग से खरा उतरेगा जो है शूट वही रीज़न था। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर का तो साथ नहीं सर पे हाथ मिला है और मैं सर से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ और बिगिनिंग से इसलिए मैंने उनको बार बार एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। उसका कारण भी ये था कि आमतौर पे जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं चाहे मैं हूँ या कोई भी हो वो सब कुछ बना लेता है और बाद में लाके वो आगे प्रेजेंटेशन के लिए देता है बट जनरली वो ये नहीं सोचता है कि म्यूज़िक कंपनी हो या वीडियो सैटेलाइट या सैटेलाइट मीडिया हो या वायरलेस मीडिया हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो लोग क्या चाहते हैं। तो हर बार हम थोपे उससे तो अच्छा है कि नहीं यार मिल के बनाए ना बिकॉज सर की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी उनकी भी कोई इच्छा हो। आज जैसे कि मैंने मेरा सब्जेक्ट डिसाइड किया मैंने डिक्लेयर किया बोले सर ये ऐसा है सर इसको हमको ऐसा करना है सर ने भी बोला ठीक है। सो मुझे कोऑपरेशन जो सर से मिला है रत्नागर जी से वो अगर मैं किसी और भी जगह जाता तो शायद हो सकता नहीं मिलता। अभी जैसे मेरे कुछ प्लान्स है प्रोडक्शन प्लान्स है कि मैं इस फिल्म को धीरे धीरे ऑडियंस में किस तरह से डालूँ सो सर ने मुझे छूट दी बोले ठीक है तू क्या है पहले मुझे बता देना फिर उसके हिसाब से क्या है। सो इससे क्या होता है कि मेरा कुछ पर्सपेक्टिव कुछ सर का पर्सपेक्टिव सो एनीवेज जो पूरा मसाला हम बना के लाएंगे वो ऑडियंस के हित में होना चाहिए। अभी जैसे बाबा है सर ने बताया कि बाबा ने म्यूजिक दिया है एक्चुअली उसमें बहुत बड़ा तो गाइडेंस सर का आया है मुझे कि नहीं तुम ऐसे चुनोगे। सो अगर मैं कहीं मार्केट में कहीं भी खड़े होकर या मैं मेरे मर्जी से किसी को भी ले लेता तो शायद वो अचीवमेंट मुझे नहीं मिलता जो सर ने राइट डायरेक्शन मुझे बताया। सो इनका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ मेरे पास सब्जेक्ट है मैं बनाऊँगा मैं मेहनत करूँगा जब मेरा काम है मेहनत करना बट एक्चुअली वो मेहनत एक सही दिशा में तो हो और एक आदमी कुछ नहीं कर सकता सर ये टीम है सब जब सब मिलके काम करेंगे तो ही होगा। और सर पहले से जुड़े हुए मतलब जो मेरी मानसिक स्थिति जो मेरी 1% थी वो 10% और बढ़ गई कि बोले नहीं सर है मेरे साथ में फिर क्या करना है करो। ओके एक नई फिल्म का मोड दिया गया और मूवी है सबसे पहले तो हम दर्शक भाई लोगन के प्रणाम करत हैं हम गिरीश शर्मा रोहर लोगन से आशीर्वाद चाहते हैं। नई फिल्म आज कब्जा के मुहूर्त भेगा जर हीरो हमारा सामने लक्ष्य बाबू बना रोहर लोग आशीर्वाद दी उनके साथ हम दूसरा फिल्म करे जाता है कर्व्यू नितेश पांडे जी उपक्रम हीरो बारन और साथ में ये भी हीरो बारन दोनों फिल्म बहुत वो फिल्म बहुत बढ़िया बनल बा ये भी फिल्म बहुत बढ़िया बनी जा हम फिल्म के दौरान इनकर काम के देखें बहुत बढ़िया लगल यही हम कहा हमको हमरा के बहुत खुशी हो रहा बा कि हम ये फिल्म के एक अभिन्न अंग बने। किस तरह का फिल्म जैसा कि लोगों के कब्जा से मालूम बा एकरा में ही दिखावा जाए कि केकर कब्जा हो विलेन पक्ष के कब्जा हो कि हीरोइन की कब्जा हो इस ढंग के काम कब्जा एक राइटर और डायरेक्टर
हरण डोगरा जी पर पहला बार उनके डायरेक्शन में हमरा के काम करे तो मौका मिल रहा था, हमरा के बहुत बढ़िया लग रहा था, साथ में लक्ष्य बाबू बारन अच्छा लग रहा है। इनके भविष्य को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए जैसा कि हमरा के एक बहुत बड़ भाई कहीं गुरु सब मानता है, हम इनके अंदर देखनी कि वो बात बा इनके अंदर, तो वो ढंग से अपने शरीर के फिटनेस भी बढ़िया बनौल, बढ़िया मेहनत कर रहा बा, हमने के उम्मीद बा कि भोजपुरी में आवे वाला एक न एक दिन इनका जरूर हो, या हम रोग रोके एकदम निश्चित कॉन्फिडेंट बताओ। फिल्म में आप दोनों का आमना सामना तो हो ही ना, हीरो रही है हम, विलेन पक्ष में रहा, आमना सामना तो हो ही ना, अभी कहानी के रोकल गई बात बतावे खातिर नहीं के कहल गए, सामने सामने तो रहा लोग देखा जी आई से। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम यही कहा कि ये फिल्म के रहा लोग देखी और करण जी के डायरेक्शन में जो फिल्म बन रहा बा एक सराही रहा लोग प्यार से देखी, बहुत बढ़िया कहानी करण जी निकले कारण ये हमारा के विश्वास बा कहानी सुनौले रहा, बहुत बढ़िया कहानी बात और लक्ष्य दूसरी फिल्म के रूप में आवन बारन इच्छा से हम दर्शकों से कहा कि जरूरी फिल्म के देखी। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेंटर लुक नौ गाने हैं, नौ गाने डिफरेंट वेरिएशन वाले गाने और इसे काफ़ी वर्कआउट शुरू किया हुआ है मैंने और हर एक गाने की कोरियोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में आपको देखने मिले। ओके थैंक यू।